दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाइए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। संजय दत्त के नशे की लिस्ट देखकर हैरान हो गया था अमेरिकी डॉक्टर। संजय दत्त पिछले साल फरवरी में जेल से रिहा होने के बाद पहली बार पर्दे पर नजर आएंगे। वे आखिरी बार फिल्म पीके में नजर आए थे। उनकी कमबैक मूवी भूमि 22 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म की साथ संजय के पुराने दिनों की चर्चा भी तेज हो गई है, जब वे भयंकर रूप से ड्रग्स के शिकार थे। कई मौकों पर संजय अपने इस बुरे समय को खुद बयां कर किया है। उन्होंने एक दिलचस्प वाक्य को भी बताया था कि जब पिता सुनील दत्त इलाज के लिए उन्हें अमेरिकन डॉक्टरों के पास ले गए थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर उन्हें देखकर किस तरह हैरान थे। नीचे संजय के जीवन की 20 मजेदार बातें पढ़ सकते हैं। संजय कहते हैं, मैं 12 सालों तक ड्रग्स का लती रहा। दुनिया का ऐसा कोई ड्रग्स नहीं जिसे मैंने न लिया हो। जब मेरे पिता इससे निजात दिलाने के लिए अमेरिकन डॉक्टर्स के पास ले गए तो डॉक्टर ने मुझे ड्रग्स की एक लंबी लिस्ट दी। जो ड्रग्स मैं लेता हूँ मुझे उस पर टिक लगानी थी। मैंने सब पर टिक लगा दी। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने मेरे पिता से कहा, आप भारत में किस तरह का खाना खाते हैं? ये सब ड्रग्स लेने के बाद अब तक जिंदा कैसे है? संजय दत्त 19-20 साल की उम्र में नशे के आदी हो गए थे। संजय खुद बताते हैं, जब मेरी माँ का कैंसर का इलाज चल रहा था तब मैं इस लत का शिकार हो गया था। मुझे याद है एक बार मैंने फ्लाइट में अपने जूते में 1 किलो हेरोइन छिपाकर सफर किया था। मेरे साथ मेरी दोनों बहनें भी थी। उस समय एयरपोर्ट पर चेकिंग उतनी सख्त नहीं होती थी। लाइक कॉमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।